नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा रीजनिंग में अपना टॉपिक चला रहे थे कैलेंडर। आज कैलेंडर के कुछ ही क्वेश्चनों की पे अपन चर्चा करेंगे, फिर आगे के टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आज का। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वो कह रहा है मनीष किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा तो उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन पहले या बाद में पहुंचता। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, बात यह है कि मनीष जो है वो कब पहुंच गया, शुक्रवार को पहुंच गया। शुक्रवार को पहुंचा तो उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले। अब भाई नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया, इसका मतलब नियत भाई बाद में तो होगा कि भाई यहां शुक्रवार है तो यहां शनिवार या रविवार या सोमवार। क्या भाई नियत समय से 3 दिन पहले पहुंच गया, इसका मतलब नियत समय उसका क्या था, सोमवार था। यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता, मतलब शुक्रवार से आने वाला रविवार इस जगह पे हो गया। अब भाई अगर वह आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन पहले या कितने दिन बाद पहुंचता। भाई एक चीज है कि भाई नियत समय तो सोमवार है और व्यक्ति पहुंच कब रहा है, रविवार को। कि सर नियत समय सोमवार है, व्यक्ति पहुंच रहा है रविवार को, बताओ तो पहले पहुंचा के बाद में पहुंचा। तो आपका दिमाग फटाक से क्लिक करेगा कि सर वो अगर रविवार को पहुंच गया है तो वो जल्दी पहुंचा। अब मैंने कहा भाई जल्दी पहुंचा तो कितने दिन जल्दी पहुंचा, कि सर एक दिन जल्दी तो पहुंचा। तो क्या कहेंगे कि भाई वो नियत दिन से कितने दिन पहले आ गया, कि एक दिन पहले आ गया। मतलब ए आंसर होगा इसका, एक दिन पहले। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई समस्या, चलिए आराम से कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आने वाला हो, बीता हुआ हो, इसमें थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं बच्चों को कि सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में लेकिन हमें उसको करने में दिक्कत आती है। चलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। देखो क्या आपको क्या है, सवाल के अंदर दो चीजों पर फोकस करेगा। एक तो सवाल में दोनों जगह के और के लिखा होगा, या फिर सवाल में दोनों जगह से और से लिखा होगा, या फिर सवाल में एक जगह के लिखा होगा और एक जगह से लिखा होगा। इन तीन चीजों को समझ जाइए तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर दोनों जगहों पे के और के लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये दोनों समान है, और जब दोनों समान है तो के से के कैंसिल हो जाता है, मतलब ना तो आगे चलना ना पीछे चलना, जितने दिन बोला उतने दिन ही चलना है। अगर से और से बोला है तो भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यदि सवाल में के और से बोला है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सवाल पर, ये देखिए कि भाई के और से का अगर कॉम्बिनेशन है तो अगर के लिखा है तो जितना जितना दिया गया है उससे एक ज्यादा गिना जाता है, और से लिखा है तो जितना दिया गया है उतना ही गिना जाता है। ये दोनों चीजों को ध्यान रखना। अगर देखो के और के दोनों जगह है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे, एज इट इज चलेगा। से और से लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सवाल में के और से लिखा हुआ है तो के का मतलब जितना दिया गया है उससे एक ज्यादा गिनना है, और यदि से दिया गया है तो जितना दिया गया है उतना ही गिना जाता है। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बीते हुए कल से, सर सबसे पहले हम आज पे खड़े होंगे, ये आज है बीते हुए कल, तो सर ये बीता हुआ कल तो ये हो गया, वेरी गुड, सही बात है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के, अब देखो यहां के है यहां से है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, भाई से बोला तो जितना दिया गया उतना ही गिनना है, तो 3 दिन आगे चलेंगे, और यहां बार कौन सा है, बुधवार है सर। मैंने कहा कि अगर यहां बुधवार है तो आज कौन से वार पे खड़े हुए हो, तो आप कहोगे सर बुधवार से आगे गुरु शुक्र शनि और रवि, कि सर आज हमारा जो वार है वो कौन सा है, रविवार है। बहुत अच्छी बात है भाई। तो आगामी कल, सर आगामी कल तो सोमवार होगा, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। आगामी कल के 2 दिन बाद, के बोला तो जितना बोला उससे एक ज्यादा, 2 बोलेगा तो 3, 3 बोलेगा तो 4। अब बोला आगामी कल के 2 दिन बाद, तो 2 दिन और उसके बाद, या रविवार है या सोमवार या मंगल या बुध और या गुरुवार। तो सर इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, गुरुवार होगा।
चलिए देखो, रविवार, ये सोम, मंगल, बुध और गुरुवार, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, गुरुवार होगा। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, गुरुवार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है यदि आगामी कल, हाँ चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बस बिल्कुल ध्यान से देखिए, के और से में बस फर्क करते हुए चलिए, बस ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चंस का आंसर यू ही आता जाएगा। ये कह रहा आगामी कल के, अरे भैया आज पे खड़े हो जा, आगामी कल और आगामी कल के एक दिन बाद, के सर एक दिन बाद, सर यहां भी के है, यहां भी के है, कैसे के कैंसिल, भाई कैसे के कैंसिल हो गया तो क्या बचा, के सर आगामी कल, आगामी कल के एक दिन बाद, एक दिन बाद कौन सा वार है, गुरुवार है, तो बीते हुए कल, बीता हुआ कल, बीते हुए कल के पिछले दिन, अब देखो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार होगा, यहां पे गुरुवार है तो यहां क्या होगा, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार, तो यहां जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, रविवार। तो यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बस के और के पे ध्यान रखिए, के और के का क्या है कि के से के कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा सवाल पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर चार देखिए भाई, अब डेटों की बात करने लग गया, ये डेटों पे आ गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डेटों पे आगे करेंगे। ये कह रहा यदि किसी माह की पांच तारीख मंगलवार के, अब देखो ध्यान से, यदि किसी माह की पांच तारीख मंगलवार के दो दिन बाद पड़ती है, भाई यू कह रहा है पांच तारीख जो है वो मंगलवार के दो दिन बाद पड़ रही है, मंगलवार के दो दिन बाद। अब मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूं कि भाई मंगलवार के दो दिन बाद पांच तारीख पड़ रही है, तो मैंने बोला भाई पांच तारीख से दो दिन पहले मंगलवार है, बताइए कोई बात में अंतर है क्या, भाई पांच तारीख से दो दिन पहले मंगलवार है, बात यही है सर कि भाई मंगलवार के दो दिन बाद बोलो या पांच तारीख से दो दिन पहले बोलो, बात यही है, पांच तारीख से दो दिन पहले चलोगे तो यहां पर तारीख कितनी होगी, तीन, और तीन तारीख हो गई तो भाई तीन तारीख का मंगलवार हो गया, बिल्कुल सही बात है सर, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, तो आगा तो इसी माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, कि सर 19 तारीख से पहले, 19 तारीख से पहले मतलब बात किसकी कर रहा है, 18 तारीख की। अब आपको पता है अगर 3 तारीख का मंगलवार है और 3 में 7 जोड़ोगे तो 10 तारीख का भी मंगलवार होगा, और 10 में 7 जोड़ोगे तो 17 तारीख का मंगलवार होगा, और यहां मंगलवार है तो बात कितनी तारीख की कर रहा है, 18 तारीख की, या मंगल है तो यहां आंसर हमारा जो होने वाला है वो क्या है, बुधवार। तो यहां पे बी आंसर बिल्कुल सही है कि सर यहां पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, 5 तारीख मंगलवार के दो दिन बाद आती है, मैंने कहा भैया 5 तारीख के दो दिन पहले मंगलवार आता है, इसका मतलब 3 तारीख को मंगलवार, आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, पांचवा क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करना है। यदि 21 तारीख के बाद चौथा दिन शनिवार हो, भाई यू कह रहा 21 तारीख के चार दिन बाद क्या है, शनिवार है, कि सर ये इक्वेशन क्यों बना रहे हो आप, 21 और 4 25 लिखो डायरेक्ट, कि सर 25 तारीख को शनिवार है, भाई बिल्कुल सही बात है 25 तारीख को शनिवार है, तो उसी माह की तीसरी तारीख को कौन सा दिन होगा। अब भाई एक चीज बताओ, 25 तारीख को अगर शनिवार है तो 25 में से 7 माइनस करने पड़ेंगे, और 25 में से जब 7 माइनस करेंगे सर 18 तारीख का शनिवार, 18 में से 7 माइनस करोगे तो भाई 11 तारीख का, 11 में से माइनस करोगे तो 4 तारीख का। अब वो कह रहा है तीसरी तारीख, तो तीसरी तारीख तो यही होगी, यहां शनिवार, यहां शनिवार, यहां शनिवार, यहां शनिवार, तो भाई शनिवार से पहले शुक्रवार, यानी इसका आंसर जो होगा वो प्यारे बच्चों क्या होगा, शुक्रवार मतलब फ्राइडे होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, और अगला क्वेश्चन क्या है, छठा, वो देखिए ध्यान से, छठा क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से। इसने बोला परसों किरण का जन्मदिन है, कि भाई साहब ये आज, ये आज, ये कल और ये परसों, ये परसों, परसों क्या है, किरण का जन्मदिन है, यहां पे किरण का जन्मदिन है। फिर कह रहा अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, मतलब जिस दिन किरण का जन्मदिन है उसी दिन अगले सप्ताह क्या है, शिवरात्रि है। यदि आज सोमवार है, भाई आज तो यही है ना, यदि आज सोमवार है, बिल्कुल है सर,
जब आज सोमवार है, मैंने कहा किरण का जन्मदिन किस वार को होगा, आपने कहा सर सोमवार से आगे मंगल और बुधवार को, सर किरण का जन्मदिन बुधवार को है। जब किरण का जन्मदिन बुधवार को है तो मैंने कहा शिवरात्रि कब की है बताओ, आपने कहा सर शिवरात्रि भी बुधवार की होगी, क्योंकि जिस दिन किरण का जन्मदिन है उसी दिन अगले सप्ताह क्या है शिवरात्रि है। वेरी गुड, तो बताइए शिवरात्रि के बाद वाला दिन, अरे भाई शिवरात्रि बुधवार की है तो इसके बाद वाला दिन तो गुरुवार ही तो होगा, कि भाई इसके बाद वाला दिन क्या होगा गुरुवार होगा, हमारा सही आंसर क्या होगा बी होगा गुरुवार। बस ध्यान से पढ़ते जाइए, क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन देखिए कुछ किस प्रकार कह रहा है, सातवां क्वेश्चन किस प्रकार बोल रहा है उस पर चर्चा करते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, यह कह रहा है यदि किसी महीने में आज के 11वें दिन पहले शुक्रवार है तो आज के ही दिन के पहले कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने में आज के 11वें दिन, भाई आज के 11वें दिन का मतलब कि भाई एक के बाद दो फिर तीन फिर चार फिर पांच छह सात आठ नौ दस और ये 11, ये 11वां दिन हो गया, और 11वें दिन कौन सा वार है शुक्रवार है, यहां पे क्या है शुक्रवार। तो फिर कह रहा तो आज के ही दिन या आज के ही दिन के पहले, चलो भाई ये शुक्रवार है मान लीजिए, ये एक तारीख है, ये एक तारीख है और ये एक के बाद में भाई दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और ग्यारह, भाई ये 11 तारीख है। अब बात ये हुई कि सर एक तारीख को अगर एक तारीख का बार पूछा और 11 तारीख का बार बताया है, भाई 11 तारीख कौन सा बार है शुक्रवार, 11 में से 7 माइनस करो कि सर 4, तो सर 4 तारीख को कौन सा वार होगा सर शुक्रवार, 3 2 1 हो गया भाई, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, और मंगलवार से पहले क्या होगा भैया, मंगलवार से पहले क्या होगा सोमवार। तो इस सवाल का सही जो आंसर है वो क्या है सोमवार है, यानी कि मंडे आएगा इस सवाल का आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर, 11वां क्वेश्चन क्या है देखिए, 8वां क्वेश्चन, चलिए अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भाई साहब, कई बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन क्या है देखो देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले सवाल पढ़ते हैं पूरा उसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह और 3 दिन बड़ी है, यदि मेरी बहन मंगलवार से तीसरे दिन को पैदा हुई हो तो मेरा जन्म किस वार को हुआ। अब प्यारे बच्चों इसमें तीन लोगों पर चर्चा हो रही है, एक तो कौन है मैं, एक कौन है भाई और एक कौन है भाई की बहन, भाई तीन लोग हैं। अब क्या कह रहा है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, भैया 562 दिन बड़ा है इस व्यक्ति से। फिर कह रहा जबकि मेरी बहन उससे, उससे तो मतलब किससे भाई, भाई से, कितनी बड़ी है कि सर 75 सप्ताह और 3 दिन। तो भाई जब 562 दिन दिए हैं तो 75 सप्ताह और 3 दिन का भी क्या निकालेंगे, दिन निकालेंगे। तो भाई यहां पे करिए 7 5 35 का 5 और हासिल लगी 3 और 7 7 49 और 3 52 यानी 525 प्लस 3 बराबर सर 528 दिन बड़ी है, यानी कि 7 5 35 का 5 हासिल 3 और 7 7 49 और 3 52 525 प्लस 3 528, यानी इस भाई से और ये बहन जो है वो कितनी बड़ी है 528 दिन बड़ी है। अब देखो 528 दिन जब बड़ी है ये टोटल, मैंने पूछा कि भाई इस लड़के से ये दोनों कितने बड़े हैं, तो आपको पता है सर कि 8 और 2 10, 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 5 10, यानी सर 1090 दिन बड़े हैं दोनों, 1090 दिन बड़े हैं। अब उसने कुछ बोला होगा कि बहन कब पैदा हुई या भाई कब पैदा हुआ, यदि मेरी बहन मंगलवार से तीन दिन को पैदा हुई, मंगलवार मेरी बहन मंगलवार से 3 दिन पहले, 3 दिन, तो इसका ऐसा होगा मंगलवार के 3 दिन बाद या मंगलवार से 3 दिन बाद होगा, ठीक है मंगलवार से 3 दिन आगे चलिए बुध गुरु और शुक्र, यानी इसकी जो बहन है ये पैदा हुई है कब, शुक्रवार को। अब भाई साहब यूं बताओ, जो बड़ा है वो पहले पैदा होगा और जो छोटा है वो बाद में पैदा होगा, तो इससे आगे ही तो चलना है, आगे चलना है, लेकिन देखो जब तक 1090 में 7 का भाग चलता चला जाएगा जब तक आंसर हमारा क्या आता चला जाएगा, शुक्रवार। कि सर भाग दे के बताओ,
सात एकम सात, सर तीन बच गए उनतालीस हो गए, सात पंजे पैंतीस, सर चार बच गए चालीस हो गए, सात पंजे पैंतीस, सर रिमाइंडर क्या बचा पांच, यानी ये जो लड़का है ये शुक्रवार के कितने दिन बाद पैदा हुआ, कि भाई सर पांच दिन बाद पैदा हुआ, तो शुक्रवार से आगे चलेंगे तो क्या होगा शनि रवि सोम मंगल और बुध, तो भाई साहब ये लड़का जो है वो कौन से वार को पैदा हुआ, बुधवार को पैदा हुआ, इसको इक्वेशन से मिला के चलना पड़ेगा। अब देखो अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे 562 में भी अपन सात का भाग देते, लेकिन कब देते जब यहां पे दिन नहीं दिए जाते, लेकिन अब यहां दिन दिए हैं तो यहां पे अपन भाग डायरेक्ट नहीं दे सकते, सवाल को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बुधवार, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नवा देखेंगे, अब नवा क्वेश्चन देखिए, नवे क्वेश्चन में क्या बात चल रही है। देखो ऐसी चीजें हम पढ़ चुके थे, फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ाई थी कि भाई कैसे कैसे सवाल होता है। ये कह रहा 17 मई 2000 के पांच दिन पहले, बुधवार था भाई, 17 मई 2000 के पांच दिन पहले बुधवार था, तो भाई यूं बताओ 17 मई से पांच दिन पहले यानी 12 मई की बात कर रहा है, कि भाई 12 मई 2000 को बुधवार था, तो फिर कह रहा तो बताओ 2 अक्टूबर 1999 को, भाई साहब यूं बताओ 2 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार था। अब देखो इसमें अपन बैक चलते हैं तो समस्याएं आने पैदा हो जाती हैं। अपन इस सवाल को एक ट्रिक से करते हैं, क्या कि देखो यहां पे साल अलग अलग हैं, सबसे पहले यहां लिखा है 12 मई और 2000 और क्वेश्चन लिख दिया भाई बुधवार था। अब भाई इसकी बात पे हमें विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें निकालना पड़ेगा भाई वास्तव में 12 मई 2000 को बुधवार था क्या। तो कैसे निकालेंगे कि सर सबसे पहले तारीख लिखेंगे, चलिए 12 आ गई। अब आपको मैंने याद कराया था 144 025 036 और 146, ये जनवरी ये फरवरी मार्च अप्रैल और ये मई, मई का कोड कितना भाई 2, ये तारीख हो गई, महीने का कोड हो गया, शताब्दी का कोड 2000 का 6, सर लीप वर्ष कितने 0, सर साल कितनी 0, डिवाइडेड बाई कितना सर 7, 7 एकम 7, शेषफल कितना 5, सर 5 और 2 7 कट गए क्या, बिल्कुल कट गए भाई साहब। अब बचा क्या 6, और 6 पे देखिए आंसर क्या आता है, सर 6 पे आंसर आता है हमारा, 6 पे आता है शुक्रवार। अब सही आंसर तो इस तारीख पे कौन सा है शुक्रवार, ये तो दे रहा है शुक्रवार, लेकिन ये क्या दे रहा है बुधवार, तो भाई शुक्रवार से आप बाद में आओगे पहले आ सकते हो, शुक्रवार से कितने दिन पहले बुधवार आता है कि सर 2 दिन पहले, कि सर हमारा जो सही आंसर आ रहा है उसमें से 2 लेस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार। तो भाई जितने लेस यहां किए हैं उतने ही लेस नीचे वाले में करने पड़ेंगे, तो सर क्या करें कि सर तारीख लिखिए 2 अक्टूबर का कोड बताइए जल्दी से, 1 होगा अक्टूबर का कोड 1, 1900 कोड शताब्दी का 0। अब बात आती है कि सर 99 साल में लीप वर्ष कितने पड़े, कि सर 99 साल में लीप वर्ष होते हैं 24, साल कितनी होगी 99 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 7। अब ये बड़ा दिख रहा है छोटा करिए, 7 3 21 शेषफल 3, 13 7 91 चलिए 7 एकम 7, 2 बज गए 29 7 4 28 1 बच गया भाई। अब यहां पर टोटल करिए 1 और 3 4 4 और 1 5 और 2 7, कि सर 7/7 रिमाइंडर क्या बचा 0, और जब 0 बचता है तो आंसर क्या आता है सर शनिवार। भाई देखो यहां शुक्रवार आया था लेकिन इसने क्या लिखा बुधवार, तो यहां जब शनिवार आया है शुक्रवार से कितने दिन पहले चला 2 दिन, तो यहां शनिवार से 2 दिन पहले चलिए, जब शनिवार से 2 दिन पहले चलेंगे तो आंसर क्या आएगा सर, आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा गुरुवार, और इसका सही जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा गुरुवार होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आपको इसी तरीके सॉल्व करना है जिससे गलत ना हो, बाकी फिर 30-31 जोड़ोगे तो गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो हो चुका है, अगर 10वां क्वेश्चन देखिए भाई, 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है बड़े प्यार से देखो, 10वां क्वेश्चन बड़े आराम से होगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो उस पर चर्चा करिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उस पर चर्चा करिए। क्या भैया क्वेश्चन कह रहा है किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार था, भाई साहब किसी महीने की 4 तारीख मतलब 4 तारीख को कौन सा वार था शनिवार था मित्रों, भाई किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार था मतलब 4 तारीख को शनिवार था, कोई समस्या नहीं बिल्कुल नहीं, तो इसी महीने की 20 तारीख के बाद
चौथे दिन कौन सा होगा? सर इक्वेशन बनाओ कि सर 20 तारीख के चार दिन बाद कौन सा वार होगा, इट मींस 24 तारीख को कौन सा वार होगा। सवाल यह बना कि किसी महीने की चार तारीख को शनिवार है तो सर 24 तारीख को कौन सा वार होगा। अब देखिए, चार तारीख को शनिवार, सात और चार 11 तारीख को भी शनिवार, 11 और सात 18 तारीख को भी शनिवार, 18 और सात 25 तारीख को भी शनिवार। सर 24 की बात करिए, हम 25 पे पहुंच गए। अरे भाई 25 पे पहुंच गया तो कौन सी कलेश हो गया, कौन सी आफत आ गई, 25 से एक दिन बैक आ जा। और 25 से एक दिन बैक आओगे तो भैया आंसर हमारा क्लियर हो गया। अरे मित्रों क्या आया, शुक्रवार। सर शुक्रवार है क्या? अरे सर शुक्रवार है ना सर, कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन है शुक्रवार। बताइए इस क्वेश्चन को करने में कोई भी आपको दिक्कत आ रही है? ऐसे सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा अभी। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्रिसमस डे की बात करी है पितरों। क्रिसमस डे अभी अभी गया, ज्यादा दिन नहीं हुए क्रिसमस डे को गए हुए। आज से तीन दिन बाद क्रिसमस डे है, यह है सवाल भाई। आज गुरुजी क्रिसमस डे तो 25 दिसंबर को आता है, मैं कब मना कर रहा हूं, नहीं आता भाई, 25 दिसंबर को ही आता है। आज से तीन दिन बाद क्रिसमस डे है, यानी कि 25 तारीख से तीन दिन पहले हम खड़े हुए हैं भाई। 25 तारीख से तीन दिन पहले हम खड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है सर। तो 25 तारीख से जब तीन दिन पहले अपन खड़े हुए हैं तो सर बताओ कौन सी तारीख पे खड़े हैं। सर तीन माइनस करो, सर 22 तारीख पे खड़े हैं, बिल्कुल भैया। ये 22 जो है ये क्या है, आज खड़े हैं, और 25 तारीख को क्या है, क्रिसमस डे। भाई आज से तीन दिन बाद क्रिसमस डे हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। यदि आज सोमवार है, और गुरु जी 22 तारीख को तो सोमवार है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सवाल बोल रहा है कि आज सोमवार मतलब 22 तारीख को सोमवार है, तो आने वाले वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा। चलिए भाई 22 और 7 29 भाई, यहां सोमवार तो सर यहां भी तो सोमवार होगा, बिल्कुल होगा। और 31 का महीना है क्योंकि दिसंबर है, तो 30 31 और 1 भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। अरे गुरुजी आ गया आ गया आ गया, आंसर आ गया भाई, पहली तारीख को गुरुवार होगा। सर हमारा आंसर मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है सर। कौन सा भाई साहब, ए ऑप्शन में गुरुवार आ रहा, बिल्कुल सही है सर। क्या थी सवाल में, कुछ भी नहीं था, आज से तीन दिन बाद क्रिसमस डे था, यानी 25 तारीख को क्रिसमस डे है, तो आज हम खड़े 22 तारीख पे। और पूछा है अगले साल का पहला दिन, तो 22 और 7 29 को सोमवार, तो आगे बढ़े तो गुरुवार आंसर आ गया भैया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 12वां। अब देखिए भाई, अब आ गया झोल, सवाल में झोल है। झोल किसका है, नजरों का, नजरों का खेल है। बस नजरें मिला के रखिए, बस नजरें मिल गई तो अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। भैया कैसे करें कि सर मनीष 3 मार्च 1980 को पैदा हुआ। अरे भाई सर लो पैदा करो, मनीष को पैदा कर दो भाई। मनीष पैदा हुआ सर 3 मार्च 1980 को, वेरी गुड भाई। अच्छा संजीव मनीष से चार दिन पहले पैदा हुआ। अब भाई साहब संजीव की बात कर लू, संजीव जो है वो मनीष से चार दिन पहले पैदा हुआ। तो सर एक चीज बताओ, 3 2 1, सर ये तो पिछले महीने में पैदा हुआ, बिल्कुल हुआ। मार्च से पहला क्या होता है, फरवरी। 80 है तो फरवरी कैसी है, लीप ईयर। तो भाई छोरा कैक तारीख को पैदा हुआ, 29 तारीख को पैदा हुआ, महीना कौन सा, फरवरी, साल कौन से, 1980। संजीव पैदा हो गया 29 फरवरी 1980। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस, अरे भाई साहब गुरुजी ये गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस में फंस जाते हैं, हम तो गणतंत्र दिवस गुरुजी 15 अगस्त मान लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी। अरे गधे, गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी और स्वतंत्रता की बात कर जब आएगा 15 अगस्त। सही है सर, सही है बिल्कुल। ये यूं कह रहा है यदि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस शनिवार को हो तो संजीव किस दिन पैदा हुआ। अरे भाई देखो 26 जनवरी
और 1980 को कौन सा वार था? शनिवार था। अरे भाई साहब, 26 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो गुरुजी बताओ 29 फरवरी कौन सा वार होगा? अरे गधे निकाल ले। कैसे? कि सर 26, अब देखो गुरुजी 26 और 5 तो 31 हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, 26 और 5 31, अच्छा 31 5 जोड़े तो भाई 1 और 2, सर 2 तारीख को शनिवार था। अरे भैया बिल्कुल था, जब 2 तारीख को शनिवार था तो 2 और 7 9 को भी होगा, 9 और 7 16 को भी होगा, 16 को होगा तो 16 और 7 23 को भी होगा, और 23 और 7 तो 30 गुरुजी, यहां तो 29 की बात चल रही है, तो भाई साहब यहां शनिवार, यहां शनिवार, यहां शनिवार, यहां शनिवार, यहां भी शनिवार, तो शनिवार से एक दिन पहले ही तो पैदा हो गया छोरा। अरे एक दिन पहले पैदा होगा छोरा, तो संजीव किस वार को पैदा कर दिया भाई मम्मी पापा ने? अरे गुरुजी छोरा तो शुक्रवार को पैदा करा, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं सर। चलो एक बार वापिस देख लेते हैं, ये कह रहा 26 जनवरी 1980 को शनिवार था, बिल्कुल था, 29 फरवरी की बात कर रहा है क्योंकि संजीव की बात करी है। अब देखो 26 और 5 31 यानी 5 जोड़े 2 और जोड़ दो तो 7, यानी कि 2 तारीख को शनिवार था, 2 और 7 9 को शनिवार था, 9 और 7 16 को, 16 और 7 23 को, 23 और 7 30 को, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर इसका आएगा शुक्रवार भाई साहब, इसका आंसर बिल्कुल शुक्रवार होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं गुरुवार / शुक्रवार, यानी कि आंसर आएगा हमारा शुक्रवार इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए सर, अगला क्वेश्चन, अरे भाई साहब अगला क्वेश्चन जिसको भी नहीं आया उसकी जिंदगी खराब, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बड़ा एग्जाम पूछता है, एसएससी पूछता ऐसा क्वेश्चन, जबकि नॉर्मल आंसर भाई साहब क्या है देखिए। रानी को अच्छी तरह याद है कि उसके पापा का जन्मदिन 14 मार्च से 18 मार्च के बीच आता है। भाई साहब रानी आ गई और रानी बोली कि भाई मेरे पापा को जन्मदिन भाई 14 से और 18 के बीच आता है। और अब मैंने बोली बेटा 14 से 18 के बीच में, इसका मतलब ना तो 14 को आता है ना 18 को, बीच में ही तो आता है, कि बिल्कुल बीच में कब आ सकता है भाई, 15 16 17, भाई 3 दिन में से एक दिन आएगा। सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी और देखो, और रानी के भाई, अब उसका भाई आ गया, अरे बावड़ी रुक जा तो को कछु भी याद ना है, देख मैं बताऊं तो को कब हुआ, कि भाई रानी के भाई को अच्छी तरह याद है कि उसके पापा, अब भाई आ गया भाई इसका, कि इसके पापा का जन्मदिन 16 से 21 मार्च के बीच हुआ, कि सर 16 से 21 के बीच, के ना 16 को ना 21 को गुरुजी, कब? 17 को 18 को 19 को या फिर 20 को। भाई बिल्कुल सही बात है, अब बोल रही है बताओ रानी के पापा का जन्मदिन, भैया रानी और उसके भाई की बात जिस तारीख पे मिल जाए, मतलब जो तारीख कॉमन आ जाए उसी दिन उसका क्या था? जन्मदिन था, और जन्मदिन था तो भैया यहां 17 तो यहां भी 17, दोनों कॉमन, तो भाई साहब आके डोगरा को जन्मदिन कब हुआ? 17 तारीख को, मतलब पापा जन्मे कब? 17 मार्च को पैदा हुए भैया, कौन हुए? रानी के पापा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिखाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है उस पर चर्चा करते हैं भैया, देखो क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी महीने के तीसरा शुक्रवार को 16 तारीख है, अरे भाई साहब भाई 16 तारीख तो है, शुक्रवार भी है, लेकिन मेरे भाई कौन सा शुक्रवार है? तीसरा। अरे गुरुजी यह तो फंस गया, कि यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो गुरुजी 16 तारीख है और शुक्रवार और तीसरा है, तो मैंने कहा यूं बता छोरा, यूं बता जब तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को, तो दूसरा के को और पहला कितने को? गुरुजी को घटाओ कितने? 7, 16 में से 7 गए तो गुरुजी 9 तारीख को शुक्रवार है दूसरा। मैंने कहा पहला बता, और गुरुजी 7 और घटा ले तो भाई 2 तारीख को शुक्रवार है, बिल्कुल पहला शुक्रवार 2 तारीख को, दूसरा 9 तारीख को, तीसरा 16 तारीख को, वेरी गुड भाई। अब क्या कह रहा है, तो इसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी? अरे गुरुजी मरगा भाई, कैसे? कि गुरुजी अगर एक तारीख की मैं बात कर लूं तो यहां पे तो शुक्रवार से पहले गुरुवार था, बिल्कुल था, जब यहां गुरुवार है या शुक्रवार है, शुक्रवार है 2 तारीख को शुक्रवार, तो 3 4 5 6 7 ऐसे लगा के देखो, शुक्रवार है शनि रवि सोम और मंगल, भाई साहब मंगल, गुरुजी इस महीने में पहला मंगल कितनी तारीख को पड़ा था? 6 तारीख को।
जब पहला मंगल छह को पड़ा तो गुरुजी सात जोड़ो, सात और छह 13 तारीख को दूसरा मंगल, तीसरा मंगल गुरुजी 20 तारीख को, भाई साहब चौथा मंगल 27 तारीख को, और चौथे मंगल की बात करें तो चौथा मंगल कितनी तारीख को, 27 तारीख को। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर सी, और सी विल बी आर राइट आंसर। यहां पे पहले शुक्रवार देखने पड़ेंगे कि पहला शुक्रवार कितनी तारीख को हुआ, दो को, तो पहला मंगलवार कितने को हुआ, छह को, सब में सात सात जोड़ते हुए चलो चौथा मंगलवार 27 तारीख को पकड़ लेगा, यानी हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चर्चा करेंगे। चलिए भाई 15 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल इजी, जिसने पहली टाइप पढ़ ली उसको ये आ जाएगा। और प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके 10th लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, जैसे कि राजस्थान पुलिस हुआ, अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम वनपाल आ गया है, तो वनपाल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको गौर से देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि गुरुजी 10 जनवरी 1995 को सोमवार था, तो 31 मार्च 1995 को कौन सा वार होगा। कि गुरुजी यहां भी 1995 और यहां भी 1995, अरे मैंने कि मैं क्या करूं भाई, जब 1995 ऊपर 1995 नीचे मैं क्या करूं, मेरे को क्यों बताओ। कि गुरुजी ऐसा लगता है साल समान है, कि भाई बिल्कुल साल समान है, तो गुरुजी आराम से निकल जाएगा। कैसे, कि गुरुजी जनवरी महीना 31 दिन का होता है, मैंने कहा होता है भाई, 31 में से 10 दिन किसने निकाल दिए, गुरुजी क्वेश्चन वाले निकाल दिए, मेहनत करेंगे आप लोग, नहीं करेंगे गुरुजी 10 हटाओ, गुरुजी 10 हटाओ, 10 हटाओ, तो भाई साहब जनवरी के कितने दिन रह गए, सर 21 दिन रह गए, वेरी गुड, जनवरी के 21 दिन रह गए, तो अब जनवरी के बाद महीना कौन सा आएगा, सर फरवरी आएगा। 1995 कैसा वर्ष है भाई, साधारण सिंपल ईयर है, जब साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, और अगर गुरु जी 28 की, और 28 की क्या लिख दो, 0 लिख दो सर, एक बार में काम खत्म। और मार्च कहां तक की बात कर रहा है सर, 31 और 31 की जगह क्या लिखते हैं, 3, जहां तक बोला है वहां तक जाना है, 31 तक बोला तो 31 का लिखना है, या 31 लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 लिखते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 7 का भाग दो गुरु जी यहां भी दे दो, तो 0 तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब यहां जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो कितना है, 3 है, क्योंकि 7 का भाग 3 में नहीं जाता, तो 3 शेष फल बचा हुआ है। तो गुरुजी यहां कौन सा वार है, सोमवार, अरे यहां सोमवार है, कितने दिन आगे जाना है, 3 दिन, सर सोमवार से 3 दिन आगे चलो तो मंगल बुध और गुरु। कि गुरुजी आपको सही आंसर क्यों होगो, मैंने कि भाई गुरुवार ही तो होगो और क्यों होगो, तो भाई इसका सही आंसर क्या होगो, कि गुरुवार भाई, एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एक साल के अंदर अंदर के वार ज्ञात करने थे। क्वेश्चन नंबर अगले पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16। प्रैक्टिस देखो, बिल्कुल कोई भी चीज आप पढ़ते जाइए, मैं आपको रामायण कितनी पढ़ा दूं लेकिन आपको याद नहीं होगी, लेकिन अगर मैं रामायण के दो ही पेज पकड़ूं और उनको आपको पहले एक बार पढ़ाऊं, दो बार पढ़ाऊं और तीसरी बार उसमें से क्या पूछूं क्वेश्चन, तो आपके जल्दी से क्लियर होंगे कि नहीं होगी। तो बिल्कुल सर, क्या आप क्वेश्चन पूछोगे तो हमें पता चलेगी भाई रामायण में क्या क्या चीज है, तो इसलिए अपने को पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सर वही तो है सर, 5 मार्च 2001 को मंगलवार था, तो 30 अक्टूबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सर एक साल के अंदर अंदर के बार ज्ञात करने हैं, बिल्कुल करने भाई। अब देखो क्या होगा, मार्च 31 का 5 निकाल दिए तो 31 में 5 गए तो 26, मार्च के 26 दिन, मार्च के बाद महीना कौन सा आएगा, अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का, 30 का, 30 का 30 की जगह 2 लिखते हैं, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर के कितने दिन, 30, 30 की जगह 2 और डिवाइडेड बाई 7, सर ये बड़ा है छोटा करो, 7 * 3 = 21, शेषफल 5, सर 5 और 2 = 7 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, काट दो, सर 3 और 2 = 5 और 3 = 8 और 3 = 11 और 2 = 13 13 13 13 और 2 = 15, सर 15 * 7 = 7 7 * 2 = 14, रिमाइंडर के बचो भाई 1। अब रिमाइंडर एक का क्या करोगे गुरुजी, यहां मंगलवार तो एक दिन आगे जाएंगे और मंगलवार से एक दिन आगे जाओगे, तो इस सवाल का आंसर हमारा आ जाएगा, सवाल का आंसर क्या होगा, कि सर सवाल का आंसर होगा बुधवार, सर सवाल का आंसर क्या होगा, बुधवार होगा। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलिए भाई, 17वां क्वेश्चन, भाई साहब 17वां क्वेश्चन देखिए, सेम चल रहा है, अलग नहीं हुआ है, सेम चल रहा है, बस ईयर देखते जाओ, ईयर यहां भी 99 यहां भी 99, दिमाग में लाओ मत, दिन गिनो बस खाली, सर जुलाई महीना कितने दिन का, मैंने कहा 31 का, 5 गए तो 26,
जुलाई के बाद गुरुजी अगस्त, मैंने कहा जुलाई अगस्त 31 के, तो 31 की जगह 3। अगस्त के बाद सर महीना कौन सा, सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद सर नवंबर के कितनी तारीख, 20 तारीख, एंड डिवाइडेड बाई कितना, 7, 7 + 21 = 21, तो शेषफल 5, और 7 × 14 शेषफल 6। जोड़ो भाई, 5 और 2 = 7 कैंसिल, 3 और 3 = 6 और 6 = 12, 12 / 7 7 + 7 = 7 शेषफल 5। गुरुजी बार खाएं बार खाएं बार बताओ, 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999 को रविवार हो तो। वेरी गुड, तो रविवार से 5 दिन बैक चलिए, रविवार से चलेंगे तो शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार। सर इसका सही आंसर क्या होगा, मंगलवार। बैक नहीं चल गए अपन, आगे ना बढ़ करके क्या करेंगे, बैक, क्योंकि बैक की पूछी है, नवंबर से चला के जुलाई पे ला रहा है, इसका मतलब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ तो क्या होगा, मंगलवार। क्वेश्चन देखिए अगला और है 18वां क्वेश्चन, देखिए 18वां क्वेश्चन। अब थोड़ा सा 17 क्वेश्चन तक तो हम पढ़ चुके थे, 17 क्वेश्चनों तक तो हमने बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ लिया था, लेकिन अब जो आ चुका है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आया है कि सर यहाँ ईयर 2001 है और यहाँ ईयर 2010 है, सर गैप बहुत ज्यादा है, तो क्या इन तरीकों से होगा। भाई साहब इन तरीकों से बिल्कुल नहीं होगा, जहां तक पढ़ाए वहां तक के क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल एक्यूरेट करा दिए, क्योंकि 3 टाइप पढ़ाई थी और तीनों टाइपों के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। अब जब तीनों टाइपों के क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, तो अब बचेगा क्या कि सर, अब बचेगा क्या कि सर, बचेगा क्या कि अब आगे हम पढ़ेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो 17 नंबर से करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें इस टॉपिक को समझना होगा, उसके बाद ही आगे की कोई बातें करेंगे। तो इसके लिए यहां पर अपन ड्रॉप करते हैं, यहां पर फिनिश करते हैं।